तो इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स एक्स टाइम्स इन टी1 इयर्स एट द रेट ऑफ सीआई देन इन टी2 इयर्स इट विल बी एक्स का पावर वाई टाइम्स। यानी पहले अगर ट्वाइस है, दो गुना है, तो बाद में हो सकता है 2 का पावर 2 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, यानी 2 का कोई भी पावर। ऐसा नहीं कि वो 2 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स, नहीं, ये टाइप क्वेश्चन क्या होगा, पहले 2 टाइम्स है तो 2 का पावर कोई भी टाइम्स। तो वही लिखा कि पहले x टाइम्स है तो ये x का पावर y टाइम्स। और रिलेशन देखो t1 और t2 का, यहाँ t1 इयर्स में था x टाइम्स, तो t2 इयर्स में x का पावर, तो वेयर t2 इक्वल टू t1 इनटू y। तो y क्या हुआ, पावर है किसका, x का। जैसे अगर पहले ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, और बाद में 8 टाइम्स होता, तो 8 टाइम्स मींस व्हाट, 2 का पावर 3, 16 टाइम्स अगर लिख देता, यानी 2 का पावर 4, तो y का वैल्यू हो गया 4। अगर कहता नहीं शुरू में 2 टाइम्स और बाद में 4 टाइम्स, तो x का वैल्यू तो था 2 और 4 टाइम्स यानी 2 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू हो गया 2। तो हम लोग को केवल अब ये भी नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट रहेगा, t2 ही पूछेगा। यहां ध्यान दें कि 3 वेरिएबल है, एक t2, t1 और y, इस तीनों में कोई भी पूछ सकता है। कई बार कहेगा कितना गुना हो जाएगा, 5 वर्ष में 2 गुना है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, या 5 वर्ष में इन 5 इयर्स अगर ये थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 27 टाइम्स, तो इन हाउ मेनी इयर्स, या 5 इयर्स में है या 6 इयर्स में है तो 12 इयर्स में कितना, 18 इयर्स में कितना, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखें कि t2 इक्वल टू t1 इनटू y, यानी कई बार अगर y फाइंड करना है तो t2 by t1 कर लोगे, और t1 फाइंड करना है तो t2 by y कर लोगे। जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स में देखें, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 8 टाइम्स एट सीआई। तो 5 वर्ष में डबल हो जा रहा है, तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा, आप लोग आंसर बताओ जल्दी फास्ट। 15 सर, 15 साल। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स गिवन है, एक्स है कितना, 2, और x का पावर y, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स यानी 2 का पावर 3, तो यहाँ पे y आ गया हम लोग का 3। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, t2 पूछ रहा है कि what will be t2, तो t2 क्या होगा हम लोग जान रहे हैं, तो t2 equal to t1 into y, और t1 कितना था 5, तो 5 into 3, सही है आप लोग का आंसर 15 ईयर। यानी ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने के साथ दे सकते थे कि पहले 2 टाइम्स है, बाद में 8 टाइम्स, 8 टाइम्स यानी 2 का पावर 3, तो ये 3 into पहला टाइम, 3 into 5, 15। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 5 इयर्स एट सीआई, 5 वर्ष में, ये 5 वर्ष नहीं है, ये 7 इयर्स में। A certain sum of money becomes 4 times in 7 years. 7 साल में 4 गुना हो रहा है, तो in how many years it will become 64 times? 21 years. Same question है, पहले 4 गुना yes, था, और ये 4 का पावर कितना है? 3 है? 3. Yes, तो t2 equal to क्या हो जाएगा? 3 into 7. 21. 21 is very good. 21 years. अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कृष्णनंदन शुक्ला आ गए? यस सर। रानी कुमारी? आवाज yes, नहीं मिल रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा।
तुम 2 दिन गायब हो गई थी। सर नेट नहीं चल रहा था, वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा था। सौम्या यस सर, आप भी ज्वाइन कर लिए, लेट आए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। असम कितना आंसर आया? 3,000। 3,000। आयुषी जी सर, चलिए और लोग सॉल्व करके देखिए। कोई धनराशि 2 वर्ष में 4,500, 4 वर्ष में 6,750, इन 2 ईयर्स इट विल बी 4,500 एंड इन 4 ईयर्स 6,750। तो फाइंड प्रिंसिपल, मूलधन बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा फंसाने वाला है। अगर हम लोग प्रोसेस से जाए तो, ट्रिक से जाए तो बहुत इजी है। स्टार्ट में 2 इयर्स और बाद में 4 इयर्स, ये डबल, यानी यहाँ 3 इयर्स होता 6 ईयर होता, यहाँ 4 ईयर होता तो यहाँ 4 दुना 8 8 ईयर होता, 5 ईयर होता यानी 1 T ईयर्स, तो दूसरा 2 × T ईयर्स। तो T ईयर्स में A1 और 2T ईयर्स में A2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई धन T ईयर्स में A1 हो जाता है और 2T ईयर्स में A2 हो जाता है, देन व्हाट विल बी प्रिंसिपल? तो ऐसे किसे पता है, केवल डायरेक्ट लिख दो ना A1 × A1/A2, या मैं डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लिख दू P × A2 = A1 × A2। आप इसका हेल्प लोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। सर ये कलर थोड़ा चेंज कीजिए ना, सही से देख नहीं रहा है। कलर चेंज करते हैं। हाँ सर। तो हम लोग क्या देख रहे थे, T ईयर्स में अगर A1 तथा 2T ईयर्स में 2 × T, A2 हो जाता है, तो वैसे केस में P × A2 = A1 × A1, और भी फाइंड करना है तो A1 × A1/A2। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया? ये डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, तुम दूसरे ढंग से भी लेके जाओगी तो यही आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे डिराइव नहीं देखना है, फॉर्मूला उसी से आया, A/P × 1+R/100, उसी फॉर्मूला से ये ट्रिक निकला है। ओके सर, सर एक बार फिर से समझाइएगा सर। हाँ देख लो, कोई धनराशि 2 वर्ष में, देखो 2 वर्ष में 4,500, इन 2 ईयर्स इट विल बी 4,500 लिखा हुआ है, एंड इन 4 ईयर्स 6,750। तो 2 ईयर्स में गिवन है और 4 ईयर्स में गिवन है, तो 2 ईयर्स और उसका डबल 4 ईयर्स, या 3 ईयर्स और उसका डबल 6 ईयर होता, या 4 ईयर्स पहला वाला जो टाइम T1 है 4 ईयर्स और बाद में 8 ईयर्स होता, यानी ये टाइम डबल अगर कभी भी ऐसा रहे क्वेश्चन तो प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर निकलते हैं तो आसानी से बन जाएगा क्या, कि P is equal to A1 × A1/A2। अब बताओ यहाँ A1 कितना है, देखो तो 4,500 × 4,500 और डिवाइडेड बाय 6,750। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3,000, यानी 4,500 A1 है तो into 4,500 और डिवाइडेड बाय हम लोगों ने क्या किया 6,750।
और यही आ गया हमारा 3000 आ रहा है जी। आर यू सी? यस सर, 3000 हाँ सर। क्वेश्चन इस पर एक और क्वेश्चन दिखा रहा है, पहले ये तो चलो पहले वो क्वेश्चन हम लोग देख ले, पढ़िए। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया लेकिन टाइप वही है, यहाँ पी गिवन है 2400 रुपीज 2400, पढ़ के देखिए। क्या करा है रुपीज 2400 अमाउंट टू 3000 इन 3 इयर्स एट सीआई ऑफ लिखा हुआ है, तो हाउ मच इट विल अमाउंट आफ्टर 6 इयर्स, यानी 3 वर्ष में 3000, तो 3750। यस सर, क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? 3750 सर। यस सर। वैभव समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आवाज नहीं मिल रहा वैभव? तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो इसके पहले वाला थोड़ा मिस हो गया, जो T1 T2 वाला फॉर्मूला आपने बताया था वो हम बाद में देख लेंगे एक बार। ओके मैं इसको देख लो, तो मैंने क्या बताया था, पी इंटू अभी फॉर्मूला यही बताया, P into A2 is equal to A1 into A2, sorry A1, और इससे अगर P find करना है तो भी, और A2 find करना है तो यहाँ देखो ना, 3 year P given है, P कितना है 2400, यहाँ A2 पूछ रहा है, तो what will be A2, तो A1 into A1, A1 कितना है यहाँ पे 3000 और divided by 2400, इसको सॉल्व करेंगे कितना रहा है जी, 3750। क्वेश्चन यहाँ क्या था, 2400 अमाउंट टू 3000 इन 3 इयर, पी गिवन है और पहला A1 गिवन है, तो कह रहा है 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो हम लोग बस देखो उसी को, ऐसा नहीं कि 3 इयर्स से हम लोग पहले रेट निकाले, प्रोसेस तो ही करा है, पहले आप रेट निकालो, रेट निकाल के लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, दूसरा टेक्निक भी है उस वो भी थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी आप फिर से पहले वाले क्वेश्चन को देखो, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4500 इन 2 इयर्स एंड 6750 इन 4 इयर्स, तो देखो अब सम ऑफ मनी पी इज नॉट गिवेन, पहला A1 है और A2 है, टाइम जो है पहले 2 ईयर था अब 4 ईयर है, ऐसे केस में पी इंटू A2 A1 इंटू A1 सेम था, तो एक जगह क्वेश्चन में पी पूछ रहा था और एक जगह A2 पूछ रहा था। तो हम लोगों को ये तो क्लियर है, इसके साथ ही हम लोग जो देखे थे डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, शायद आप लोगों को याद होगा। यस सर। Difference of CI and SI. क्या देखा था? For 1 year, एक वर्ष के लिए CI is equal to होता है SI. और this is why difference क्या हो जाता था? Zero. Zero. फॉर 1 ईयर कहीं से भी, चाहे वो स्टार्ट का हो या कहीं भी बीच का हो, फॉर 1 ईयर डिफरेंस 0। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फॉर टू इयर्स डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस इज इक्वल टू PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, और हम लोगों ने फिर देखा कि फॉर 3 ईयर्स PR स्क्वायर इंटू 300
प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 क्यूब। और अगर फोर ईयर का आता है, एक आध बार आया हुआ है 10% लेकर, ऐसा केस अगर आता है तो आप उसको फिर परसेंटेज मेथड से निकालोगे। इन सबको भी हम लोग परसेंटेज मेथड से कर सकते थे। परसेंटेज मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो सीआई का रेट क्या हो जाता, सीआई का रेट 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। और इसी से एसआई का क्या हो जाता है, तो 2r, और ये हम लोग अगर लेस कर ले तो डिफरेंस हो गया आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। और ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस अमाउंट में अगर निकालना हो तो पी का पी इंटू पी ये सॉरी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो जब डिफरेंस पूछ रहा है तो वहां भी यही होता है, यहां भी यही। तो हम लोग को बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है, ये कुछ फॉर्मूलाज तो आपको के रखना होगा कि डायरेक्ट निकल जाएगा, डिफरेंस गिवेन है तो पी निकल जाएगा, पी गिवेन है डिफरेंस निकल जाएगा, आर यानी तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल में कोई भी आप फाइंड कर सकते हो, इससे भी और इससे भी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम फॉर टू इयर्स एट द रेट ऑफ 5% एनुअल इज 1.50, द सम इज। देखो यहाँ पे क्या गिवेन है, डिफरेंस गिवेन है और सम पूछ रहा है, सम मीन्स प्रिंसिपल। तो वी नो दैट कि डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर एंड डी इज गिवेन 1.5 इज इक्वल टू पी आर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। कितना आया, 600। यस सर, सब लोग चेक कर लो। यस सर 600। हाँ सर आ गया। यस सर 600। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8% के रेट से दो वर्ष में 625 पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, देखो टू ईयर का बस वही क्वेश्चन है, अंतर लेकिन यहाँ पूछ दिया, यहाँ पी नहीं पूछ रहा, तो यहाँ तो डिफरेंस पूछ दिया। तो डिफरेंस इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। घर पे तो बार बार फॉर्मूला लिख के सॉल्व किया करो और उसके बाद उसको छोड़ करके डायरेक्ट लिखने की आदत डालो। क्या हो जाएगा, 625 गुना 8 स्क्वायर 64 और डिवाइडेड बाई 100 × 100, यही होगा आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 7। 8,000 पर 5% की दर से अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, एकदम सिंपल वही फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी आर स्क्वायर इंटू केवल ऐड क्या हो गया 300 प्लस आर, नीचे 100 स्क्वायर होता था लेकिन 3 वर्ष है तो 100 क्यूब हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, साक्षी आपका कितना रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी सॉल्व करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा कैलकुलेशन। 61 लेकिन आप लोग गलत हो, 600 आना चाहिए। यस सर 600 आ रहा है सर। तो बाकी लोग आंसर चेक करो फास्ट। किनका 600 आया है, मेरा सर। सर मेरा तो 61 ही आ रहा है सर। 61 ही आ रहा है सर। फिर से चेक कीजिए, 61 ही आएगा, 600 नहीं आएगा, मैंने ऐसे बोल दिया था।
थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कीजिए। चलो अभी वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स एट अ रेट ऑफ 20% गिवन है। यहाँ पे डिफरेंस गिवन है तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी पी 48 गिवन है, पी इनटू 20 का स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट 400 इनटू 300 प्लस 8 सीधा लिख दें 320 डिवाइडेड बाय 3 बार 100 लिखने के तो आदत है, इसी फॉर्म में डालो। सर 375 आया है मेरा। दीप बना नहीं रही है, यस सर। तुम बना नहीं रही हो, केवल यस सर करने से होगा। हाँ सर 375। सौम्या 375। सौम्या सर नेट नहीं काम कर रहा है। नहीं सर क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, बस अब जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन तो सबों को बहुत साफ। हाँ सर थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है बट लेकिन छत पे दिखने लग रहा है, थोड़ा दिक्कत है। तुम लोग जियो का ली हुई है क्या? बट अभी बारिश हो रही थी ना इधर, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो गया है, लेकिन सही है अभी। यस सर ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं अभी मत जाओ, पूरा बारिश अभी ऊपर नहीं जाना, छत पे ही हूँ। पड़ रही है, अभी ऊपर जाने का समय नहीं, इसीलिए पड़ रही है, छत पे ही है सर। तब भी नहीं चल रहा है, इसीलिए तो मॉर्निंग मिलेगा था, लेकिन बड़ा नहीं सर। ठीक है नहीं सर। अच्छा चलो कल मॉर्निंग में लीजिए, सुन रही है ना, हम सबका पीडीएफ भी भेज। मॉर्निंग में सही रहता है, कल संडे है, लेकिन जिस दिन मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है उस दिन हम लोग इवनिंग में कर लेते हैं। सर कल मॉर्निंग में होगा ना सर? कल तो छुट्टी है सर, संडे क्लास हो गए। ये तुम्हारा आवाज नहीं मिल रहा, क्वेश्चन चलिए सब लोग आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 20% की दर से 2 वर्ष के लिए रखी गई है यदि ब्याज। सर मंडे को मॉर्निंग में क्लास कीजिए। हाँ हाँ मंडे का मॉर्निंग ही होगा, अगला क्लास मंडे को मॉर्निंग में। पढ़िए, कोई धनराशि 20% की दर पर 2 वर्ष के लिए रखी गई है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो ब्याज 482 अधिक होती। धनराशि ज्ञात करें। Sum of money is put on 20% annual CI for 2 years had the interest compounded half yearly. मतलब 20,000 पर एनम तो है ही, half yearly होता तो 482 more होता। चलिए सॉल्व सर। 20,000 कैसे जी बताओ? जैसे सर मान लिए हैं P को 100 मान लिए हैं, ठीक है, ईयरली निकाल लिए हैं CI और उसका निकाल लिए हैं क्या बोलते हैं हाफ ईयरली, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो P निकल ही जाएगा। कैसे निकाल लिए इतना जल्दी, हमको समझ ही नहीं आया। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है तो बनाया हुआ है तो कुछ कुछ याद है सर। आंसर याद था उस पे मार दिया, गलत है सर, याद नहीं था सर, बना के भी थे दोपहर में, आज असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन बनाया था। गलत है, रॉन्ग है, असाइनमेंट का बन गया, हो ही नहीं सकता गलत। चलिए बाकी लोग बनाइए, इसको आंसर या था, इसने आंसर बदला दिया, या आज ही बनाई है जो क्लास के असाइनमेंट है उसमें का क्वेश्चन है तो इसने बनाया, तो इसको ध्यान में होगा। बाकी लोग तो पढ़ नहीं रहे होंगे, उस रिवीजन सबको करना होता है, मैंने बोल रखा है आपका जो भी क्वेश्चन हो वो पढ़ा करो। क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में भी यहाँ भी।
सब लोग निकालिए जल्दी। मैं बता दूं, हाँ सर मैं ही बता दूं। चलो देखो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। 20% की दर से, देखो पहले से आपने डिसाइड किया था कि किसी भी अमाउंट को हम 20% की दर से 2 वर्ष के लिए देंगे। आपका भाई आगे कह रहा है क्या कि नहीं नहीं इसको हम लोग हाफ ईयरली, भैया एक टर्म जोड़ देते ना हाफ ईयरली, केवल एक हाफ ईयरली जोड़ देंगे ना पर एनम की जगह, तो हमको 482 रुपया अधिक मिलेगा, 482 अधिक मिलेगा। तो हाफ ईयरली कर दिए, कहा कि ठीक है सब चीज वही है, आप पर एनम की जगह हाफ ईयरली कर दो। तो देखें आप लोगों को मैंने परसेंटेज मेथड भी बताया था। परसेंटेज मेथड में क्या था कि अगर 2 इयर्स के लिए हम लोग निकालें तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, दैट इज 44% हो जाता 2 इयर्स के लिए। रेट फॉर 2 इयर्स, यस सर। और हाफ ईयरली के केस में, इन केस ऑफ हाफ ईयरली, अगर केस हाफ ईयरली का है तो वी नो दैट कि आर क्या हो जाएगा 20 बाई 2, दैट इज 10, और टाइम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट इज 4। और दो बार में तो ये 10 प्लस 10 10 इंटू 10 बाई 100, तो 21% तो हो गया 2 इयर्स का। यहां तक तो आप लोग को केवल सोच करके, केवल सोचेंगे 10 है तो 21 होगा, तो फॉर 4 इयर्स, 4 इयर्स क्या हो जाएगा, तो 21 टू ईयर का है, अगला 21 भी, इन प्लस 21 इंटू 21 बाई 100 46.41। आप देखिए एक ये है 44 और दूसरा 46.41, 2.41 डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 2.41%, एंड दिस इज गिवेन कितना, तो ₹482, तो व्हाट विल बी 100%। परसेंटेज मेथड तो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि फॉर 2 इयर्स रेट ऑफ 25% एट द रेट ऑफ 20% पर एनम विल बी 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, और ये हो गया 44%। ये तो आपको पहले से पता है। ये केस कब होता, जब पर एनम की बात होती। लेकिन अगर सेकेंड केस क्या है, हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली के केस में रेट टू 20 बाई 2, दैट इज 10%, और टी जो होगा 2 इंटू 2 यानी 4। और ये मैंने बताया फॉर 2 इयर्स, अगर 2 इयर्स के लिए निकालना होता तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू टू टर्म्स को, या इयर्स भी नहीं, टू टर्म्स, 10 इंटू 10 बाई 100, तो ये हो जाता 21%। और फॉर 4 टर्म्स, 4 टर्म्स के लिए, तो यही 21 प्लस, देखो दो बार 21 आया, अगले दो का भी 21 सोच लेंगे। वैसे जहां भी 4 ईयर का परसेंटेज मेथड से निकालना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये 21 प्लस 21 और प्लस 21 इंटू 21
बाई 100 कर लेते और ये हमारा आ गया 46.41%। तो एक जगह ये था 44% और एक जगह आया 44% और ये आया 46.41%। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता, तो डिफरेंस हो जाएगा 2.41%। और ये 2.41% ये गिवन है, कितना गिवन है, 482। तो क्वेश्चन कह रहा है पी क्या होगा। अच्छा यहाँ कुछ भी पूछ सकता था, पी पूछता, कहता नहीं एसआई क्या, सॉरी सीआई क्या होता, कहता नहीं अमाउंट क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे इस पर, इसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ करके निकाल सकते हैं। और यहाँ देखो ये 2 years के लग गए, हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व किए इनफैक्ट, तो पहले 2 years का होता तो क्या होता, तो डायरेक्ट 44% हम लोग निकाल सकते थे पी गिवन होता तो। और अगर हाफ ईयरली है 2 years के लिए ही तो क्या होगा, तो ये 46.41% आया, ये भी निकाल लिए। अगर दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना होता तो भी निकाल लेते। क्लियर? एनी को प्रॉब्लम? सर एक बार क्वेश्चन को पैक कीजिए। क्या करें? क्वेश्चन को दिखा दीजिए एक बार। हाँ, क्वेश्चन को रिपीट कर। क्वेश्चन देखो ना। अब तो लग रहा है कि अनाउंसमेंट जैसा हो रहा है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगा। हाँ सर, आज कहीं तो पेपर में था सर, न्यूज में भी कल दिया था सर 2-3 बार। लेकिन सर एक चीज, पहली बार लगभग 25,000 के आसपास चला गया एक दिन में। और जहाँ सर किसी और देश में इतना नहीं बढ़ा है सर, जहाँ भी मालूम कर रहे हैं पटना के आसपास या जहाँ भी अगल बगल का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह मालूम हो रहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है। शायद कोई डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह है जहाँ पे कोरोना नहीं फैल गया हो। सर हम लोग के अभी नया केस मिला सर, एक पूरा ऑफिस सील हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ लगभग 7-8 लोगों को था रजिस्ट्रार ऑफिस में, आज ही सील हुआ। एक मेरा विद्यार्थी जिसका भी SBI मैनेजर है, वो पटना IGI में हॉस्पिटल में, वहाँ स्टेट बैंक का ब्रांच है, उसमें उसका 4-5 दिन बाद ट्रांसफर होने वाला है। नई नई बेचारे की शादी हुई है, बहुत छोटा बच्चा है, 3 महीने का या नहीं 7-8 महीने का बेटा है उसका, उसकी वाइफ भी मेरी ही स्टूडेंट थी। अब इन लोगों ने ये सर क्या करे, हम लोग ऑफिस जाते हैं, मेरे ऑफिस में भी 4-5 लोगों को हो गया है, स्टेट बैंक की बात बता रहा था, मेन ब्रांच में था, तो सर वहाँ भी 4-5 लोगों को हो गया। अब हम क्या करें सर, लगता है कि सारे फैमिली को बाहर घर भेजना होगा, हमको एकदम सबसे आइसोलेट होकर रहना होगा, क्वारंटाइन में रहना होगा। सर क्या करें नहीं करें अब समझ में नहीं आ रहा, हम लोग का जॉब तो सबसे ज्यादा रिस्की है। सो आपके पास तो सर इतना है कि घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो ये है कि दिन रात पब्लिक डीलिंग है। और लगभग बैंक में यहाँ एक और सबना मुरपेस, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां भी मेरा स्टूडेंट है, उसने भी बताया कि सर 3 दिन के लिए सबों को छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि वहां भी किसी एक को कोरोना हो गया था, किसी लेडी स्टाफ को, जिसके कारण ये लोग भी अपना छुट्टी पे है। तो पता नहीं, शायद कोई डिपार्टमेंट ऐसा बच रहा है जहां लोगों को नहीं है, तो थोड़ा आप लोग सेफ जोन में रहेंगे कि बचे हुए रहे वैक्सीन आने तक। जब वैक्सीन आ जाएगा तब तो लड़ाई करने में मजा आएगा, हो जाएगा, देखेंगे, दवा मिल जाए, मेडिसिन उसका, तब भी देखेंगे। लेकिन अभी सही बात है, अभी ऐसा भी नहीं कि किसी अमीर को हो रहा है, गरीब को हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी हो जा रहा है, और बड़े बड़े योद्धा लोग को हो जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट हो या डॉक्टर्स हो, सबों को हो रहा है, और मर जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी मर जा रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल लाइफ हम लोगों को मिला है, और ये लाइफ को ऐसे ही जाने देंगे ये तो नहीं होगा, तो थोड़ा आप लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे। वो भी सर एक चाइनीज वायरस है, बस बताओ। चलो कुछ पहला चाइनीज चीज है सर जो काफी लंबा चल गया सर। सर जी एक चीज बोलना था। हाँ बोलिए सर। बोल रहा था सर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का हम लोग को होमवर्क देते ना सर, कंटेंट नहीं है कि कहाँ से क्या, हाँ तो उसमें क्या हम डिस्कशन भी हो जाता और बना भी लेते। अगले क्लास से हम दे देंगे, ठीक है, उसको हमको प्लान करके निकालना होगा, डालना होगा, ठीक है, अगले क्लास से डालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
Divide ₹3903 in two parts, A and B, such that amount of A for 7 years at the rate of 4% CI be equal to amount of B for 9 years at the same rate of CI. Find the share of A. जो लोग असाइनमेंट बनाए होंगे उनको आंसर शायद याद हो, नहीं पढ़े हैं, पढ़ के आए तो सॉल्व कीजिए. 3903 को दो भाग में बांटना है. पहले वाले को 4% की दर से 7 वर्ष के बाद का मिश्रण, यानी अमाउंट एट द रेट ऑफ 4% इन 7 इयर्स इज इक्वल टू अमाउंट एट द रेट ऑफ, यहाँ पे हाँ सेम है, एट द रेट ऑफ 4% इन 9 ईयर, यानी दोनों अमाउंट इक्वल है 7 इयर्स में 9 इयर्स में. तो 3903 को ऐसे बांटना है, मान लो एक x तो दूसरा क्या होगा कि दोनों, एक का 7 वर्ष बाद का मिश्रधन, दूसरे का 9 वर्ष बाद का मिश्रधन, दोनों आपस में इक्वल हो गए. जब भी इक्वल कहे ना, तो जैसे 3903 हो या कोई भी वैल्यू गिवेन हो, आप उसको एक को x और दूसरे को 3903 माइनस x मत करना, लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा. एक को x दूसरे को y मान लो कि x और y जब इक्वल है तो उसका जो रेशियो आएगा उस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे. क्लियर? यानी क्वेश्चन कह रहा है a1 इक्वल टू a2 और a1 अगर x ले, x into, अच्छा 4% के रेट से क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, फ्रैक्शन 26/25 और एट द रेट ऑफ इसका पावर 7 और इज इक्वल टू y इंटू 26/25 तो करेंगे और इसका पावर 9. देखो क्वेश्चन ये कह रहा था, हम लोगों ने मान लिया कि एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या है y, ये p है. सर आप दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं सर, आप ठीक, हाँ आप ठीक हो गया सर, लेकिन बीच में गायब हो गए थे. आ गया सर, अब सर वो थोड़ा, लेकिन स्क्रीन पर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है सर, रेजोल्यूशन कम है सर, धुंधला हो गया सब कुछ. नेट का प्रॉब्लम है नहीं सर? ठीक हाँ सर, आपके वाईफाई का प्रॉब्लम है सर. नेट का प्रॉब्लम होगा, मेरे में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ही दिख रहा हो सर. लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब लोग एक साथ हो जाए, खराब हो जाए, अलग अलग जगह पे एक साथ नेट थोड़ी खराब हो? सर आप दिख रहे हैं मुझे, मैं भी ठीक, मैं अभी ठीक. आप ठीक हो क्या? ठीक है, मैं अभी ठीक हूँ, मेरे बारे में मत सोचना. नहीं सर आप ठीक रहे सर, यही दुआ है सर हम लोग की. चलो ठीक है, a1 इक्वल टू a2, a1 हो गया एट द एंड ऑफ 7 ईयर एंड दिस इज एट द एंड ऑफ 9 ईयर. तो पहले वाले को x ले लिया और दूसरे वाले को क्या ले लिया? y. तो x into 26/25 का पावर 7, y into 26/25 का पावर 9. इससे क्या होगा, x y y आपका निकल जाएगा, x y y क्या होगा? अच्छा ये पता है ना कि अगर a का पावर x डिवाइडेड बाई a का पावर y कर दे तो क्या होता है, a का पावर x माइनस y, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो yes, इस साइड जो ये है, ये वाला पोर्शन, ये जो इस साइड है पावर 7 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई था तो उधर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा जैसे ही तो ये सेम हो गया, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आप डायरेक्ट 26/25 का पावर 2 लिख सकते थे, यानी 676/625 ये लिख सकते थे. अब बताइए किसी को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नो सर. नहीं सर, यानी नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करते, जैसे ही देख रहे हैं कि 4% है, ये 1 + 4y 100 है,
तो पहले और एक तरफ पावर 7 ईयर था और एक तरफ इसका 1 + 4/100 का पावर एक तरफ 9 ईयर है। हम लोग तुरंत पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोचेंगे, 26/25 तो आ ही रहा है और 9 में से 7 लेस हो जाएगा तो 2, यानी 676/625। और यहाँ तक का कैलकुलेशन आपको ओरली करना, यानी आपको लिखना ही नहीं इसमें कुछ, केवल सोचना है, थिंक विदाउट इट। आपको यानी देखने के साथ क्लियर होना चाहिए था कि सर रेशियो विल बी 676:625। अगर पाला फाइंड करना है तो 676 by टोटल, टोटल क्या होता है तो दोनों को ऐड कर लो, 6 5 11 1 7 8 2 10 1 6 7 6 13 1301 × कितने को बांटना था, 3903 को। ये हो गया ए का पार्ट। ऐसे ही अगर बी का पार्ट पूछे तो बी का भी निकल जाएगा, और यार टोटल में से 3903 में से लेस कर लेते, ये तो 3903 था, ए का पार्ट कितना रहा है? ये जो हमारा रेशियो आया, ये रेशियो हो गया, इस रेशियो में हम 3903 को डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, ए का भी फाइंड हो जाएगा, बी का भी फाइंड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। यस सर, 20 and 28। रौनक कोई दिक्कत नहीं सर? समीर? नो सर। तुम्हारे मामा जी मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे समीर। हाँ सर, पता है सर उनके बारे में, आपके बारे में अभी भी बोलते हैं वो। मेरा बहुत अच्छे स्टूडेंट में से, बहुत क्लोज में से था, जो कि पूरे इंस्टीट्यूट में चैलेंज करता था कि हम 12 मिनट में बैंक पीओ का कोई भी सेट बना लेंगे मैथ्स में। हाँ, उनका सर आरएस अग्रवाल पूरा रटा हुआ था, किसी पेज नंबर बता देते थे, क्वेश्चन नंबर बता देते थे, ये क्वेश्चन रहेगा। रटा ही हुआ नहीं, उसे कहते कि अगर 47 का टेबल सुनाओ, समझ गए, 94 का टेबल सुना, 94 7 या क्या होगा, वो देख तुरंत जवाब दे देता था। हाँ सर, वो मेरे बैच का टॉपर था। हाँ, वो क्लर्क वाला सेट कोई भी 10 मिनट में बना देता था। उसके बाद उस बेचारे का इंग्लिश थोड़ा पुअर था, इंग्लिश के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और भी उसका बहुत सारा कहानी था, नहीं बताया होगा तो हम भी नहीं बताएंगे। सब पता है सर, सब पता है। प्रिया दीदी इंग्लिश पढ़ाती थी। प्रिया उसको इंग्लिश पढ़ाती थी और ये प्रिया को मैथ्स पढ़ाता था, और प्रिया को बैंक पीओ बना दिया, प्रिया बैंक पीओ बन गए मैथ्स से, और ये बेचारा पीओ नहीं बन पाया था, क्लर्क रह गया। उसके बाद दोनों में डिस्टेंस बन गया, फैमिली डिस्टेंस। हाँ, दोनों में डिस्टेंस होने लगा तो फिर ईगो हर्ट हो गया, ये भी फिर पीओ निकाल के दम लिए। मेरे को बोला था कि सर हम क्या करें, तो इसको हम क्रॉनिकल इंस्टीट्यूट में एज अ फैकल्टी भी ज्वाइन करा दिए थे। हम कहते मेरा नाम लेना, सब रख लेंगे तुमको, तो वहाँ इंस्टीट्यूट में भी उसको भेजे थे, वहाँ पढ़ा भी रहा था। और देखो लक, यूको बैंक पीओ निकाल लिया और आज तो बड़े अच्छे पोस्ट पे होगा। कहाँ, पांडिचेरी में ही है शायद? हाँ, अभी पांडिचेरी में ही है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट अब कौन स्केल 2 स्केल 3 में है, स्केल 4 में भी है, तो वो सब का वो तो सोचो ना, क्लर्क से सफर करके स्केल 2 तक गया। लेकिन कई ऐसे थे उसके पहले भी जो डायरेक्ट उन लोगों का पीओ में हो गया था, आज वो स्केल 4 तक चले गए। खैर, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं दिख रहा है सर, क्वेश्चन कितना साफ दिख रहा है सर, अभी इस बार उसका नेट खराब है। 43892 को दो समान राशि को दो व्यक्तियों को 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 43892 की दो समान राशि इक्वल अमाउंट है, दो अलग अलग पर्सन को 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, एक को 30% साधारण ब्याज और दूसरे को 30% चक्रवृद्धि ब्याज पे। क्वेश्चन समझ में आया? 30% है, सॉरी 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक को एसआई पर दिया गया, एक को सीआई पर दिया गया, तो पूछ क्या रहा है,
तीन वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई वाला जो है वो तो एसआई से ज्यादा होगा, पूछ रहा है कितना परसेंट ज्यादा होगा। जल्दी सॉल्व कीजिए। 43,892 है, जिनको नहीं दिख रहा बता रहे 43,892 इक्वल अमाउंट ऑफ इच 43,892 इज लेन टू टू पर्सन्स फॉर थ्री इयर्स, वन एट द रेट ऑफ 30% एसआई एंड सेकेंड एट द रेट ऑफ 30% सीआई एनुअली। बाय हाउ मच परसेंट द सीआई इज ग्रेटर देन SI received in 3 years duration. क्वेश्चन दो ढंग से बन सकता है, मैं पहले बता दूं, एक तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला को यूज करो और एक परसेंटेज मेथड को यूज करो, दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के दोनों से बन सकता है। आपको एक और हिंट मैं दे दूं, 43,892 को टच करने की आवश्यकता नहीं है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कहे तो उसको छोड़ दो, आपको तो 30% दिया ही हुआ है, एक एसआई पर है और एक सीआई पर है, निकाल के देख लो कितना परसेंट ज्यादा है। पहले तो डिफरेंस निकालने आपको आता है, डिफरेंस जो आएगा अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पी 100 ले लेना, बहुत आसानी से निकल सकता है। आपको एक चीज मैं बताऊं कि थ्री ईयर का डिफरेंस निकालने आता है कि नहीं फॉर्मूला से? आता है सर। आता है? यस सर, 36%। कौन सा फॉर्मूला होता है पता ही तो? सर, पीआर स्क्वायर इनटू 300 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। वेरी गुड, तो ये पीआर स्क्वायर इनटू 300 प्लस आर बाय 100 का क्यूब, तो ये फॉर्मूला आपको आ रहा है, ठीक है? तो इससे आपका डिफरेंस निकल गया, डिफरेंस मतलब सीआई कितना ज्यादा है वो निकल गया, तो वो ज्यादा है वो निकला, लेकिन पूछ रहा है परसेंटेज मोर किससे, एसआई से, ध्यान रखना, यानी एक स्टेप और बढ़ रहा है, अगर यानी कितना मोर किससे इनटू 100%। आगे मैं नहीं बताने जा रहा, सर 33%। अब मैं नहीं बताऊंगा, नो, ये आपको करना सही है। यस सर, मेरा भी 33% निकाल के बता रहे हैं सर। हिंट दे दिया काफी, हम तो निकाल के बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। एक लड़का अमित है, अमित सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ निकाले हुए है, मेरे को मैसेज किया कि सर हम आप ही के लाइन में आना चाह रहे हैं, रिजाइन देना चाह रहे हैं, मेरे को गाइड कीजिए। मैंने कहा इससे खराब कोई लाइन नहीं है, मत आप इसमें। अभी जमशेदपुर में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है मैनेजर, और इस लाइन में आना चाह रहा है, टीचिंग लाइन में। और मैं बता दूं कि वो बहुत पहले टीचर ही था, प्लस टू के लिए आईआईटी वगैरह लोगों को पढ़ाता था, उसके बाद उसको मालूम हुआ था, तो फिर मेरे यहाँ नहीं उस लाइन वो अच्छा नहीं है, तो मेरे आया बैंक पीओ की तैयारी किया, उसका सिलेक्शन भी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में पोस्टिंग भी हो गया, लगभग 2 years हो चुका है उसका, और अब वो चाह रहा है कि फिर से टीचिंग में आए। मैंने मना कर दिया कि इससे खराब कोई लाइन है मत, कोई लाइन ही नहीं है अभी, मत आओ, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर हम 500 फी भी रखते हैं तो लोग देने का मन नहीं होता, सबको लगता है कि क्यों दें, तो हम कहे अगर सोचो कि हम 20-20 बॉयज को भी अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए 2-3 घंटा मेरे को देना पड़ रहा है, क्या कम अर्न कर पाएंगे, तो मैक्सिमम 10,000, मत आओ इस लाइन में, बहुत होगा तो 10,000, वो भी 10,000 में अब नेट वगैरह वाला पैक सबको दे दो, घर में एसी का बिल हटा दो, सब हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो मालूम होगा 4,000 या 5,000 बचेगा। हम उसको मना किए कि मत आओ, पता नहीं क्यों आना चाह रहे हैं। रानी तुम्हारे पापा भी बैंक में है? नो सर। रानी रांची बिजनेस? हेलो हेलो नहीं सर, बैंक में नहीं है। किस चीज में है?
वो बिजनेस है मोटर पार्ट्स का। अच्छा कहाँ पे, रांची में? हाँ सर। नहीं मेरा भाई भी वहाँ रांची में रहता है इसलिए बोले। हाँ। वहाँ LIC में डबल ए ओ के पोस्ट पे है। बताए थे। 12 क्वेश्चन समझ में आया। मनीष एक 10 लाख कीमत वाला होटल खरीदता है और रानी 16 लाख की कीमत वाली कार खरीदती है, खुश नहीं हो जाता? सर आंसर आ गया, कार नहीं है। 10,53,000 होटल कीमत प्रतिवर्ष 20% की दर पर बढ़ती है और कार की कीमत प्रतिवर्ष 25% की दर से घटती है 3 वर्ष बाद, होटल और कार की कीमत में अंतर बताना है, जल्दी कीजिए। सर ऑप्शन बी होगा, असाइनमेंट का सेकंड है। सर बी होगा सर। हाँ ऑप्शन तो बी है, सही है। हाँ सर ऑप्शन बी है, सही है। कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे फास्ट? सर सीधे उस पे 10 लाख पे 120 बटा 100 करके फिर उसमें माइनस इसका करके तो बढ़ रहा है 10 लाख है ना। हाँ सर 10 लाख का 20% की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है सर। 10 लाख की कीमत होटल खरीदता है 16 लाख की कीमत से, तो वो 20% की दर से बढ़ रहा है, तो 6/5 हाँ, कर और... क्या हाँ? का क्यों 3 वर्ष में पूछ रहा है और हाँ, इसका हाँ, क्या है रानी का क्या है 16 लाख पे 16 लाख 3/4 का पार्ट 3/4 हाँ सर बस यही आ जाएगा 1,053,000 हाँ सर। तो कार खरीदिएगा कि मकान खरीदिएगा? पहले मकान कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट? मेरे को तो लगता है कि कार खरीदना चाहिए, बड़ा मुश्किल से ये लाइफ मिलता है, बचा दो तो बच्चों का होता है, अपने लिए तो कुछ नहीं बचता, तो इसलिए नहीं होगा रहने के लिए तो नहीं उतना के बाद ना, कार खरीदने वाला तो पहले रहने के लिए रख लेता है तब ना कार खरीदता है, क्योंकि अब समेटने का इन्वेस्टमेंट का कोई एंडिंग नहीं है, हमारे पास उतना ही होना चाहिए कि रहने को खाने को मेरा काम चल जाए, उसके बाद इन लाइफ में एंजॉय करना भी बहुत बड़ी बात है, मेरा थॉट है, बाकी सही बात है। फिर क्योंकि हम जमा करते जाए, बहुत ऐसे से कंजूसों को मैंने देखा है पटना में, फटा हुआ धोती पहनता है और अरबों का प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है और अब इस स्टेज में आ गए हैं कि अब ऊपर जाने वाले हैं, ऐस कौन कर रहा है, उनके ग्रैंडसन्स ये लोग ऐस कर रहे हैं, रानी का डिस्कनेक्ट हो गया, रानी का नाम इसमें डिस्कनेक्ट हो गया, अब रो रही है। आपको सॉल्व करना है, मैं समझा दे रहा हूं, 4,000 अ मैन बोरोज रुपीज 4,000 एट 20% CI At the end of each year, he pays back. ऐसा क्वेश्चन मैंने SI में भी बताया था। तो SI में क्या बताया था कि सबसे पहले जो कर्ज लिए वो लौटा दो और इंटरेस्ट सबको अलग रखे रहो, लास्ट में इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, याद होगा आप लोगों को कि 5वें वर्ष के लास्ट में क्या 1 लाख हम लोग लिए थे, याद आ रहा है किसी को कि SI में 1 लाख लिया था और अलग अलग 4 वर्ष में जो लौटाया था तो 1 लाख लौटा दिया था, 5वें वर्ष के लास्ट में हम लोग इंटरेस्ट लौटाए थे, और यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट हर साल ऐड होता जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, जैसे 4,000 है उसका 20%, तो पहले ईयर अगर हम लोग निकालते, रानी ज्वाइन कर ले? जी सर। 4,000 का 120% 4,800 पहले ईयर के लास्ट में, तो इसमें से देखो SI में हम लोग क्या निकालते थे, 4,000 का 20% 800 अलग कर देते थे और यहाँ क्या 4,000 का 120, इसलिए घर पे एक बार अच्छे से दोनों क्वेश्चन को आप लोग
कंपेयर करके देखना, या 4800 में से ही 1500 हम लौटाएंगे और तब बचा 3300, और इस फिर 3300 का 120% निकालेंगे तो 12 36 12 36 3960 हो गया। अगेन आप 1500 लौटा दिए तो 0642 2460 है। अब बताओ ये 2460 का फिर से 120%, तो ये 12 6 72 48 7 55 24 5 29 2952, दिस इज द अमाउंट विच यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। वहां क्या, यहां देखो हम लोग इंटरेस्ट लेते चले गए, सीधा 120% निकाल लिया, सीधा अमाउंट निकाल लिया कि नाउ यू हैव टू पे 4800 बट यू आर पेइंग 1500, तो 4800 से 1500 आप पे करो, दैट मींस 3300 पे अब इंटरेस्ट लगेगा, तो 3300 का 120% फॉर सेकेंड ईयर, नाउ यू हैव टू पे 3960 बट यू आर पेइंग 1500, सो 2460 विल बी द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर एंड दिस विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो 2460 का 120% 120% दिस इज 2952। फिर से समझा दीजिए ना सर, फिर से समझा दे, पैसा कितना लेते हैं, पैसा कितना लिए थे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जिन लोगों को भी डाउट, 4000 क्वेश्चन लिए थे किस सर पे, 4000 कंडीशन क्या था, 20% कंपाउंड से आप रिटर्न करोगे, यही था कंडीशन, और प्रत्येक ईयर के एंड में आप 1500 लौटाते जा रहे हो, कैसे लिखते हैं? Yes, sir. तो ये जैसे 4000 हम लोग अगर एसआई वाला से तो ऐसे ही ना निकालते 1 + 20/100 या इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट कर देते थे 4000 × 120/100 तो डायरेक्ट आ गया अमाउंट। यस सर, पहले वर्ष के लास्ट में अमाउंट 4800, और ये आप हर साल, ये नहीं कि सर एक ही बार नहीं दे देंगे 1500 या 4500, नहीं, हर एक ईयर के लास्ट में आप पे कर रहे हो, उसमें से 1500 लौटा दिए तो 3300 आ गया, इस 3300 का फिर आप 120% ये सेकेंड ईयर, ये था फर्स्ट ईयर, तो ये आ गया आपका 3960, और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो फिर इस 3960 का 120% और ये आ गया 2952। क्लियर, पूछ ही रहा है तो व्हाट अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, देखो क्वेश्चन सर, ये 1500 तीन साल के लिए माइनस नहीं करेंगे सर, तीसरे साल सेकंड ईयर में से भी तो माइनस करेंगे ना, कर नहीं, पहला साल किए देखो, पहले साल कर रहे हैं, हाँ दूसरे साल भी किए, दूसरे साल नहीं करेंगे सर, दूसरा साल किए ना, अच्छा 3960 निकाल दिए थे, यहाँ पे मैंने नहीं घटा उसे, 3960 माइनस नहीं किए 1500, हाँ वो करेंगे हम लोग उसी का, ये 6954 2460, ये 2460 देखो इधर, हाँ 2460 यहाँ निकाले हैं, तो सेकेंड ईयर में तो दे ही दिए, और थर्ड ईयर में तो आप टोटल पैसा ही लौटा दे रहे हो, 1500 ही क्यों देना, आप तो टोटल पूछ रहा है कि तीसरे वर्ष के लास्ट में आप कितना दोगे, फाइनल पेमेंट, तो टोटल फाइनल पेमेंट 2952। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, मंडे मॉर्निंग क्लास होगा, ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर, आप लोग का क्योंकि समझ रहा है, अगर आप लोगों के ग्रुप में और भी कोई फ्रेंड अगर जुड़ना चाहे तो आप लोग बताएंगे तो वो उन लोगों को आप कोशिश कीजिएगा कि वो लोग भी कनेक्ट हो, हाँ सर जरूर, ओके सर, हम लोग का भी काम चलता रहे,
जी सर बिल्कुल। वैसे आप लोग को तो बोलना नहीं पड़ रहा, आप लोग मैंने देखा है कि टाइम से बिफोर अपने आप पेमेंट भी कर दे रहे हो, इसलिए वो बोलने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सर जब पढ़ना है ही तो आज नहीं तो कल देना ही है, तो सर क्यों नहीं आज ही दे, कल का क्यों करे। तो वो मैंने देखा कि सौम्या लेफ्ट कर दिया। सौम्या भी है? यस सर। आवाज सुनाई दे रहा है? छत पे हो? हाँ। अरे तुम तो चुके छत से गिर गए, छत पर मना किया है नहीं जाने को। चले तो ठीक है, गुड नाइट, आज के क्लास को हम लोग रुकते हैं। गुड नाइट सर।